हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। दोस्तों, बहुत सारी जगहों पर दिवाली की इस बार रहा है कि 31 तारीख की है या 1 तारीख की, तो हमारे यहाँ पर 1 तारीख को ही सभी ने दिवाली मनाई है। 31 तारीख को बहुत ही कम लोगों ने दिवाली यहाँ पर हमारे मनाई है, तो आज रात को काफी ज्यादा आतिशबाजी और ये जो है फाइव फाइटर्स हो गए और बॉम्ब हो गए, ये फोड़े गए हैं। आज रात को बहुत ही ज्यादा चले गए। तकरीबन 31 तारीख को यहाँ पर किसी ने भी इतने ज्यादा फाइव वर्ष ये नहीं छोड़े थे इतने जितने आज ये रोड चला रहे हैं। यहाँ पर 9 बजे से सभी लोगों ने पटाखे चलाने शुरू कर दिए थे। तो भी इस साल मनाली में भी काफी ज्यादा धूमधाम से लोगों ने दिवाली मनाई है वहाँ पर, तो मनाली के भी कुछ ब्लॉग इसके बाद में आपको दिखाएंगे। देखो भाई, बोतल ही उड़ा दी है ऊपर से। देखो भाई, ना पटाखे हमारे यहाँ पर इस बार बहुत ही ज्यादा महंगे बिके हैं। तकरीबन 500-1000 रुपए के वो जो आते हैं अपने स्काई स्नैपर्स वगैरह जो होते हैं, जो शॉर्ट्स जिसको बोल देते हैं, ये देखो भी हाथ में पकड़ कर चलाने लगा है। तो भी इस साल शॉर्ट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा चले हैं। तकरीबन सभी ने अस्तबाजियां, शॉर्ट्स और बम तो बहुत ही ज्यादा कम चले हैं, तकरीबन सभी ने शॉर्ट्स ज्यादा चलाए हैं इस साल। जिन लोगों ने पहले शॉर्ट्स ले लिए उनको मिलते भाई शाम के समय में, तो एक भी दुकान पर कोई भी शॉर्ट्स नहीं भी बचा हुआ था। और ये देखो भाई, कितनी दूर तक बम फेंका है, लेकिन इसके जो तुई में आग लगती है वो नहीं बुझी। ये तकरीबन बम की तकनीक भी इन्होंने चेंज कर दी है। ये देखो भाई, आज तो इस साल दो दिवालियां होने के कारण लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहा है। हमारे यहाँ कल भी लोगों ने कुछ लगाई है, लेकिन जितने पटाखे आज चल रहे हैं उतने स्काई स्नैपर और गुरुद्वारा साहब में भी आज ही प्रोग्राम, तो इसलिए भी आज ही सारा कुछ यहाँ पर शुरू हुआ है। दिवाली मनानी, आज ही पूजा हुई है दिवाली की और आज ही सभी लोग लगे हुए हैं। और ये देखिए किसने अनार चलाया है, और ये देखिए कहां से आज दवाई चलाएगा। ज्यादा मजा ना शॉर्ट्स चलाने में आता है, ऊपर जाकर जो अलग अलग से तारे से निकलते हैं ना, वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं देखने वाले, तो वही चीज है। सभी की सभी दुकानों में तकरीबन एक भी शॉर्ट हमारे शहर में नहीं मिला, सारे के सारे शॉर्ट्स बिक चुके हैं। वही देखो कहाँ तक आया है, इधर ऊपर शर्ट तक आया है मेरे नीचे से, इसलिए थोड़ा तो बॉम्ब से कोई बचकर ही रहना चाहिए। देखो कितने दूर देखते हैं, यहाँ तक आया है मेरे पास, ऊपर तक आ गया। अभी चलाते हैं ये चिरकुट, दो दो इकट्ठे रखकर चलाते हैं, एक एक बात नहीं बनती, बढ़िया लगेंगे, बहुत ही बढ़िया लगे निकलते हैं इनमें स्टार्स वगैरह। एक को जला दो दूसरा खुद खुद अपने आप जल जाता है। तो तकरीबन दिवाली पर हर एक ने शॉर्ट्स ज्यादा चलाए हैं, मजा आ गया दिवाली में तो इस बार। तो मैं बोल रहा हूं,
वैसे जितने ज़्यादा हम लोग ये पटाखे चलाते हैं उतने ही ज़्यादा धुआं और पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है। इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग वैसे फिर भी अपना जितना चाहिए उतने थोड़े बहुत चला लेते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। और ये देखिए अभी एक और चिटपुट चलाएंगे। तकरीबन स्टार वाले जितने पटाखे हमको वही ज्यादा बढ़िया लगते हैं। बोतल के बीच में रखकर ये देखिए, मुझे लगता है ये बीच में ना गिर जाए। वो गया, बोतल के बीच में चला गया। पहले इसमें हमने रखा बॉम्ब चलाया था, बोतल का मुंह उड़ गया बेचारी। अब देखो चिटपुट बीच चला गया। अब इसको निकाल कर ना फिर चलाते, आ गया किनारे पर आ गया। अब ये मेल्ट कर देगा क्योंकि भाई पटाखे में फायर इतना है। ये देखिए पूरी तरीके से नहीं चल पाया क्योंकि हवा नहीं ना मिली, बीच में ही रुक गया। वो मारा काफी दूर तक गया है लेकिन आग नहीं बुझी। देखो भाई आगे जाकर बम पूरी तरीके से फटा। वो देखिए भाई आसमान में पैराशूट उड़ा है, वो जा रहा है ऊपर की तरफ। चलो भाई इस बार तो दिवाली हमारी काफी बढ़िया निकली, हमने तो खूब एंजॉय किया। शाम के हम जो पूजा करते हैं तो उसके बाद गुरुद्वारा साहब चलेंगे। तो भाई इस तरीके से हमारी दिवाली बहुत ही बढ़िया निकली। आई होप कि आप लोगों की भी दिवाली तकरीबन इसी ढंग की और बढ़िया निकली होगी, खुशियों से निकली होगी। तो भाई आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत सारी विशेष हैप्पी दिवाली सभी को। तो फिर मिलेंगे किसी अगले नए ब्लॉग में। तो तब तक के लिए सबको हैप्पी दिवाली।